एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, इससे पहले आप लोग डिबेट शुरू कर दो और ये कहो कि विद्युत जाम्बल को सपोर्ट करो, सेल्फ मेड एक्टर है, कोई नेपोटिज्म नहीं है एंड ऑल, तो इतना समझ लो कि फिल्म अच्छी रहनी चाहिए, फिर चाहे सेल्फ मेड एक्टर हो या स्टार किड। जरूरी नहीं कि हर सेल्फ मेड एक्टर अच्छी फिल्म करे, तो वही जरूरी नहीं कि हर स्टार किड बेकार फिल्म करे। ये कॉमेंट सेक्शन में डिबेट होना तो तय है, इसलिए मैं आपको पहले ही मेंशन कर दे रहा हूँ कि अगर आपको फिल्म रिलेटेड ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए तो वीडियो पूरा देखो, वरना वीडियो यहीं छोड़ दो। क्रैक मूवी देखकर आ रहा हूँ स्टारिंग अद्भुत जाम्बल, इमली जैक्सन, नोरा फट्टू एंड अर्जुन रेनफॉल। अब देखो इस फिल्म को एक क्रैक दिमाग वाले इंसान ने लिखी है, जिसने टेलीग्राम से डाउनलोड करके स्क्विड गेम देखी एंड वहां से इंस्पायर होकर स्टोरी उसने ऐसी बनाई जिसको देखकर ऑडियंस एक्सपायर भी हो सकती है। जिस फिल्म का नाम है क्रैक, वो भी नाम गलती से रखा है, असल में इस फिल्म का नाम रहना चाहिए कुरला का स्क्विड गेम। अगर मैं क्रैक मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि क्रैक इज अ ट्रिब्यूट टू ऑल टाइगर श्रॉफ मूवीज। फिल्म जैसे ही शुरू होती है आपका सबसे पहला ध्यान फिल्म के सारे एक्टर्स के परफॉर्मेंस पे जाएगा। सबसे पहले बात करूंगा विद्युत जाम्बल की। विद्युत इस फिल्म में छपरी का रोल प्ले करे, इनकी एक्टिंग को देखकर सच्ची बता रहा हूं छपरी भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे देंगे। आई मीन डायलॉग कोई भी हो, विद्युत के छपरी वर्जन में ऐसे ही लाइन रहता है, ए भाई सपने तो दोनों आंखें देखती है ना, एंड तेरे दोनों आंखें अपनी छे, आ तेरे दोनों आंखें फोड़ दो। अरे इसकी मां का वर्ड डायलॉग था ये सब, मतलब आप बोलो कि ये बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जा रहा है। सच्ची बता रहा हूँ विद्युत भाई, बीइंग एन एडमायर ऑफ यू, ऐसी एक्टिंग मत करो कि हम अर्जुन कपूर की इज्जत करने लग जाए। वही फिल्म की हीरोइन जो कि इंटरनेशनल एक्ट्रेस फ्रॉम चीप यूनिवर्सिटी से है, यानी कि नूरा फट्टू, इनकी एक्टिंग को देखने के बाद आपका डांस से भी भरोसा उठ जाएगा। ऐसे भी आधे लोग तो उनके चेहरे पे ध्यान देते ही नहीं है ना। वही क्रिंज कंपनी को और योगदान देने के लिए मेकर्स ने एक और एक्ट्रेस को ऐड किया है जो कि माइकल जैक्सन की बहन कभी ना बन पाए, एमी जैक्सन। उनकी एक्टिंग को देखने के बाद सच में आप अपने आंख को टूथब्रश से धोगे। आई मीन उनके डायलॉग लो, निहाल ये तुम्हारे भाई को मारेगा, इससे तुम्हारे भाई को मारा है वैसे ही मारा है जैसे मैं मेरी एक्टिंग से ऑडियंस की बूच मारने वाली हूँ, ए भगवान मारू के। फिल्म बकचोदी से भरपूर है, लेकिन मजा लेके इस बकचोदी के अंदर आप 5% भी स्टोरी ढूंढ के दिखा दो, मैं नेशनल अवार्ड दे दूं। मतलब हीरो छपरीगिरी करते हुए इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाता है, और कौन सा बेसलेस गेम खेलता है जिसको देखने के बाद यहाँ के पुलिस वाले, उसके माँ बाप सबके सब प्राउड फील करते हैं। हाय देवा, मतलब माँ बाप भी जिसका एक बेटा उसी गेम में जाके टपक गया, ये लोग प्राउड फील कर रहे हैं, देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है। कसम से बता रहा हूँ, अगर मेरा ऐसा औलाद रहता ना, गांड को बेल्ट बेल्ट मार के सुझा दिया होता, घर पे बिठा दिया होता, क्योंकि एक तो दुनिया में वैसे चूतियागिरी कमी नहीं है और इसको चूतियागिरी में डिग्री पानी है। फिल्म का जब इंटरवल आता है ना, तभी दी एंड लिख के आ जाना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद आप जो देखोगे आपको लग जाएगा कि आज सबसे सस्ती टिकट है थिएटर में 100 रुपए की, लेकिन ये 100 रुपए भी मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा है, इतना बड़ा घाव लगेगा। क्योंकि विद्युत इज ट्राइंग वेरी हार्ड बट विद अ बैड स्क्रिप्ट, वो भी गंदगी कर दिया। ओनली फ्यू एक्शन सीन्स आर गुड एंड कुछ एक्शन सीन्स तो वही उनके पुराने फिल्मों में रिपीट है ये विद्युत के। ओवरऑल क्रैक इज अ फिल्म विच कैन कम्पीट गणपत, सो प्लीज जाकर देखना कमांडो 3 ऑन Z5। मैं दूंगा फिल्म को 1.5/5 स्टार। विद्युत का परफॉर्मेंस पुराने फिल्मों में अच्छा था, लेकिन ये वाला हर्ट कर दिया। मिलता हूं अगले वीडियो में। आप लोग को बुरा ही लगेगा क्योंकि आप लोग को सच सुनना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग को चाहिए कि मैं विद्युत के बारे में बात करूं, आप लोग को ये नहीं चाहिए कि मैं फिल्म के बारे में बात करूं। प्लीज यार, तो ऐसा नहीं चलता दोस्तों, प्लीज अनसब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।